सी प्रोग्राम में सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट और सारे जो इसके सिंटैक्स हैं वो सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे सी प्रोग्राम में प्रैक्टिस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है वो है पैटर्न्स प्रोग्राम, जो कि आपको अगर आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ अगर आपको कोडिंग कराई जाती है तो जनरली पैटर्न्स से रिलेटेड आपको प्रोग्राम दिए जाते हैं, जिसमें आपको पैटर्न को ड्रॉ करके दिखाना होता है। और आपको इस पर प्रैक्टिस करने से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग स्टार के पैटर्न्स, नंबर के पैटर्न्स को कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के आउटपुट में। तो ये पहला पैटर्न प्रोग्राम है, और मैंने इसको, चूंकि पैटर्न प्रोग्राम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पैटर्न में बहुत सारे लूप्स चलते हैं, एक जैसे सिंबल यूज होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें मिस्टेक हो जाती है और आपके प्रोग्राम गलत हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पब्लिश किया हुआ है प्ले स्टोर में। मैं यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा प्रोग्राम को, और आपको वो सेम प्रोग्राम उस एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो इससे आपके टाइम की बचत भी होगी और आपको सही प्रोग्राम आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखे, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और आप इसको सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन नाम से, मैंने एक एंड्रॉइड ऐप पब्लिश किया है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, तो आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और अगर आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पैटर्न वाले टैब में क्लिक करके आप उसकी वीडियो जो उससे रिलेटेड प्रोग्राम है पैटर्न्स के, वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे एक वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जो उस ऐप के बारे में है कि उस ऐप में क्या क्या है और वो कैसे आप उससे प्रोग्राम फैच कर सकते हैं, कैसे उसके प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी और आपको इस सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी, और आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, जिससे आपको ये आपको पहले नंबर पे आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन सर्च करने पे आपको ये एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा नाम डाल सकते हैं डायरेक्ट, शालिक राम पटेल, तो आपको पहले नंबर पे आपको ये सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो हुई बात कि आप एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब हम लोग पहले पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो पैटर्न को समझने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न हम किस टाइप के और कैसे बनाने हैं। तो जनरली हमारा मोटिव यहाँ रहेगा, अभी हम लोग स्टार पैटर्न की बात करेंगे फिर नंबर पैटर्न की बात करेंगे। तो स्टार पैटर्न में हमारा सीधा सा मोटिव ये रहेगा कि हमारे दिमाग में कोई भी पैटर्न आता है कि ये पैटर्न कैसे होता है। जैसे इस पैटर्न को समझने के लिए आपने बचपन में गेम खेला होगा जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स ऊपर से गिरते हुए आते थे, हमें उसको अरेंज करना होता था। तो वो ब्लॉक्स जो होते थे, उनके जो डिजाइन होते थे, क्या हम उसको सी प्रोग्राम के थ्रू वो सारे ब्लॉक की डिजाइन कर सकते हैं? तो वही हमारा यहाँ पे पैटर्न जो प्रोग्रामिंग है वो है। इसमें हम लोग जिस जिस शेप के हम पैटर्न सोच सकते हैं या जिस जिस शेप के पैटर्न हम लोग चाहते हैं, हम उस तरह के पैटर्न यहाँ पे डिजाइन करेंगे। जैसे कि ये सबसे पहला पैटर्न हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पैटर्न की आप शेप देख सकते हैं कि ये एक आप इसको स्क्वायर कह सकते हैं या रेक्टेंगल शेप है, जिसमें स्टार इस तरह से भरे हुए हैं। इस तरह से आपको स्टार यहाँ भरे हुए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ये आउटपुट दिख रहा है। तो चलिए पहले तो इसको, ये सबसे पहला और सबसे सिंपल जो है पैटर्न प्रोग्राम है, और ये पहला प्रोग्राम है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतने टाइम लेके। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न प्रोग्राम होंगे उसमें एक एक वीडियो में दो या तीन प्रोग्राम एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और चूंकि आपके पास एंड्रॉइड ऐप पहले से मौजूद रहेगा तो आप वहां से उस प्रोग्राम को समझ भी सकते हैं। इसके अलावा उस एंड्रॉइड ऐप में आपको और बाकी डिटेल भी मिल जाएगी कि कैसे प्रोग्राम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो भी मिल जाएगा, आपको थ्योरी पोर्शन भी मिल जाएगा, और आप उसमें मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो वहाँ पे मैंने फीडबैक के लिए एक बटन बना रखा है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पहले पैटर्न प्रोग्राम को समझते हैं। तो इसके लिए आपको पहले बेसिक सी पता होनी चाहिए, अगर आपको बेसिक सी नहीं आती है तो आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपके पास सी की बेसिक नॉलेज है। चलिए पहला जो पैटर्न प्रोग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये दो जो फाइल हैं वो हेडर फाइल हैं। तो पहला प्रोग्राम है तो इसमें मैं सबको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ शुरू से कि ये हेडर फाइल का काम क्या होता है। पहली हेडर फाइल है इंक्लूड कॉन्योर्ड, इंक्लूड कीवर्ड है जो कि उसको इंक्लूड करने के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे है पहले stdio.h, stdio.h हेडर फाइल जो है वो किस लिए यूज हुई है। यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिनके बाद जो
इसी फाइल के अंदर डिफाइन है कि इनका काम क्या होगा। तो इन दो फंक्शन को अगर आप कहीं यूज करना चाहते हैं, दो को या इनमें से किसी एक को, तो आपको हैज इंक्लूड एसटीडियो डॉट एच लगाना ही लगाना पड़ेगा। अगर आप हैज इंक्लूड एसटीडियो डॉट नहीं लगाते तो आप इन फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, फिर आपको अपने फंक्शन बनाने पड़ेंगे जो कि प्रिंट करने के लिए होंगे और स्कैन करने के लिए होंगे। तो आपको हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट जो लगाई है वो इन दो फंक्शन के लिए लगाए हैं। अभी मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्रोग्राम की टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद कॉनियो डॉट एच, इसकी जरूरत नहीं है अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम में आउटपुट को होल्ड नहीं कराना चाहते। टर्बो सी में हमें आउटपुट को होल्ड कराने के लिए एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, वो है गेट सी एच। ये गेट सी एच क्या करता है, ये स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कॉनियो डॉट एच की जरूरत पड़ी, ये भी एक हेडर फाइल। उसके बाद आता है वॉइड मैन। वॉइड मैन क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैन ऐसा फंक्शन होता है जहां से प्रोग्राम रन करना शुरू होता है। मान लीजिए आपके प्रोग्राम में हजारों फंक्शन है, तो अब कंपाइलर कहां से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, यानी कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होगा। तो पहला फंक्शन रन होगा मैन, जो आपका मेन फंक्शन होगा वो सबसे पहले रन होता है। तो मैन से हमारा हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन जरूरी है। तो मेन के आगे ये वॉइड लगा है, आप इसकी जगह इंट, फ्लोट या स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसकी जगह दो ही वर्ड यूज करते हैं, वॉइड या इंट। तो वॉइड यहाँ लगाया मतलब हमें किसी चीज की रिटर्न कराने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ इंट लगाते तो आपको रिटर्न जीरो कराना पड़ता, और उसके साथ ही आपको गेट सीएच लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आउटपुट ऑलरेडी होल्ड हो जाता जब हम रिटर्न जीरो कराते। तो चलिए, ये तो हुआ प्रोग्रामिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब आते हैं हम लोग मेन प्रोग्राम पे कि हमारा प्रोग्राम क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में स्टार पैटर्न को प्रिंट करना है, जैसा कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसके लिए लूप लगाना होगा। तो एक लूप लगेगा, देखिए यहाँ पे समझ में कैसे आएगा कि कितने लूप लगाने हैं या क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो हमें ये स्टार पैटर्न जाना है इधर को, यानी कि हमें नंबर ऑफ रो काउंट करनी है और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने, दो चीजें काउंट करनी है। तो जैसे कि हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी देखा था कि जब हमें दोनों तरफ जाना होता है, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन, तो हम दो लूप लगाते हैं, एक लेफ्ट टू राइट जाने के लिए, एक अप टू डाउन जाने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो लूप लगाने पड़ेंगे पहली बार। तो हमने दो वेरिएबल ले लिए दोनों लूप के लिए, फिर हमें नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करने होंगे। उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया एन कि हमें कितने नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे एंटर यो नंबर ऑफ रोज, माने हम कितने रोज या कितने कॉलम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू इंटर कराई, तो देखिए इसकी वैल्यू हमने मान लीजिए 4 इंटर कराई। तो हमें अब एक लूप चलाना है जो कि 4 चौड़ाई तक जाए और 4 गहराई तक जाए, यानी कि नंबर ऑफ रो 4 हो और नंबर ऑफ कॉलम 4 हो। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले हम आई इक्व टू 1 टू एन, एन की जो वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे एन की वैल्यू आएगी, यानी कि हमें कितने, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कितने हमारे रो होगी, ये हमारे रो के लिए है, यानी कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ रो तो मिल गई। सिमिलरली हमें सेम लूप, क्योंकि हमें उतने ही रो और उतने ही कॉलम बनाने, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, अगले पैटर्न सेकंड पैटर्न में हम लोग रेक्टेंगल को बात करेंगे। तो हमें सेम कॉन्सेप्ट को यहां लगाना पड़ेगा एक कॉलम के लिए। अब हम एक एक कॉलम को प्रिंट करेंगे, पहले हम कॉलम को प्रिंट करेंगे और एक कॉलम प्रिंट होने, सॉरी ये हमारा पहली रो के सारे कॉलम प्रिंट होंगे, पहली रो के सारे कॉलम प्रिंट होंगे, मतलब पहली रो के चार कॉलम है 1 2 3 4, ये चारों कॉलम प्रिंट होंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू लाइन में जाना पड़ेगा। तो जैसे ये लूप खत्म होता है यहाँ पे, हम यहाँ पे न्यू लाइन में आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग न्यू लाइन में आ जाते हैं। ये स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, तो हम यहाँ पे न्यू लाइन में आ जाएंगे। फिर हमारी दूसरी रो स्टार्ट होगी और उसके बाद भी सेम प्रोसीजर होगी, और इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम वर्क करेगा। तो ये तो हमने पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मेन जो यहाँ पे पैटर्न का जो मेन लॉजिक है वो इतना सा है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरली पहली बार में समझ में नहीं आता है। तो अब आप इन सबको भूल जाइए और मैं सबको इरेज कर दे रहा हूँ। आपको जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वो मेरे एप्लीकेशन एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो मैं सबको इरेज करके आपको इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये तो प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम जो था वो था। अब हम इसको सिर्फ इसके लॉजिक को डिफाइन कर रहे हैं ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आए कि ये पैटर्न बना कैसे। तो मैं ये पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये हमारा मेन लॉजिक है। तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू कितनी डाली है, 4। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एन की वैल्यू कितनी है, 4। तो जहां जहां एन है वहां वहां मैं 4 लिख दे रहा हूँ। ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ये आपको प्रोग्राम वही बनाना जो मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ और 4 यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए अब हुआ क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 थी, तो यानी कि 0th रो, यानी कि ये वाली 0th रो होगी। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम में 0 से स्टार्ट करते हैं, आप चाहें तो यहाँ 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
जीरो तो रोक में हम लोग जब आई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है जीरो, हम जे की जे पे आए हैं, जे की वैल्यू कितनी है अब जीरो, जे की वैल्यू जीरो है तो आई की वैल्यू भी जीरो है, जे की वैल्यू कितनी है जीरो। तो देखिए जीरो और जीरो 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 पहला जो प्रिंट होगा स्ट्रक्चर वो किस पे होगा जीरो जीरो। तो यही हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स होती है कि जीरो 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 वन जीरो टू जीरो थ्री, वन जीरो वन 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 टू वन थ्री, सॉरी ये आएगा आपका टू वन टू जीरो टू वन टू 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 थ्री, थ्री जीरो थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री। अब देखिए जीरो 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 पे प्रिंट होगा स्टार, जो प्रिंट होगा उसको मैं सर्किल करता जा रहा हूँ, तो ये प्रिंट होगा पहली बार में ये वाला। अब उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि ये इंटरनल लूप है तो ये पहले चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब जे की वैल्यू हो जाएगी वन। तो जैसे ये वन होगी तो अब देखिए जीरो और वन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रिंट होगा, तो जीरो और वन कौन सा है ये वाला प्रिंट होगा। उसके बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, जे की वैल्यू कितनी होगी टू, तो टू यहाँ पे आई की वैल्यू अभी भी जीरो ही है तो आई की वैल्यू जीरो और टू कॉम्बिनेशन यानी कि ये वाला प्रिंट होगा। उसके बाद जे की वैल्यू होगी थ्री थ्री, तो अब देखिए जीरो और थ्री का कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा यानी कि ये वाला स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू आएगी फोर, जे की वैल्यू कितनी होगी फोर, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन से फॉल हो रही है यानी कि हमें फोर से कम तक ही वैल्यू ले जाने की। वैल्यू जैसे ही आएगी यहाँ पे देखिए जैसे ये फोर वैल्यू आएगी तो ये यहाँ पे फोर वैल्यू आते ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि ये लूप खत्म हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा तो फिर से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू वन इंक्रीज होगी यानी कि हमारी एक रो कंप्लीट होते ही ये हमारे पास ये लूप खत्म होगा तो ये क्या होगा प्रिंट एफ स्लैश एन, तो यानी कि हम न्यू लाइन में आ जाएंगे। अब न्यू लाइन में आते ही हमारा क्या होगा आई की वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन के साथ भी सेम प्रोसेस होगी, तो वन जीरो वन 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 टू वन थ्री वन फोर यानी कि ये चारों भी प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से। फिर चार जैसे चार प्रिंट होते हैं फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर ये चार प्रिंट हो गए और फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर ये चार प्रिंट हो गए तब तक आई की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी थ्री, और जैसे आई की वैल्यू फोर होगी तो ये बाहर वाले लूप से हम लोग बाहर आ जाएंगे, जैसे बाहर वाले लूप से बाहर आएंगे हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा आउटपुट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पहला सी का पैटर्न प्रोग्राम सीरीज का पहला पैटर्न है, हम इसके सारे पैटर्न को कवर करेंगे, और चूंकि मैंने इसमें लगभग 50 प्रोग्राम यानी कि 50 पैटर्न्स को स्टार पैटर्न को और लगभग 100 से 120 के आसपास नंबर पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा तो ये काफी लंबी सीरीज हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसका सी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन से एंड्रॉइड ऐप पब्लिश किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करिए और मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी एक एक वीडियो में चार चार तीन तीन चार चार पैटर्न एक साथ बताता चलूंगा उनका मेन लॉजिक। ये पहला प्रोग्राम था इसलिए मैंने इसको इतने आराम से और इतना पूरा एक्सप्लेन करके बताया, आगे हम सिर्फ इस लॉजिक को बताएंगे, पूरा प्रोग्राम लिखा रहेगा यहाँ पे और इस लॉजिक को बताएंगे, बाकी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन से प्रोग्राम को देखिए और उसको समझिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 या 10 मिनट के वीडियो में 2 या 3 प्रोग्राम आराम से इसमें कवर कर लेंगे, तो आपका टाइम बचेगा और आपको सारे प्रोग्राम समझ में आ जाएंगे, तो इससे आपका बेनिफिट होगा और मेरा भी बेनिफिट होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, कम टाइम में मैं ज्यादा प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर लूंगा, तो ये जल्दी सीरीज आपकी जो खत्म हो जाएगी और आपका सी कंप्लीट होगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि जावा के काफी रिक्वेस्ट आ रही है जावा प्रोग्रामिंग की, तो मैं जावा प्रोग्रामिंग पे वीडियो डालना शुरू करूंगा, एक्चुअली मैं सी प्लस प्लस भी साथ में चल रही है तो सी के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं जावा को भी रोक के रखा हूँ कि थोड़ा सा ये सी लगभग खत्म हो जाए उसके बाद मैं जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और आप सी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और प्लीज उसको अच्छी रेटिंग दीजिए ताकि दूसरे लोगों को सर्च करने पे वो आसानी से मिल सके, क्योंकि अगर उसकी रेटिंग सही नहीं होगी तो वो नीचे चला जाएगा और सर्च करने में प्रॉब्लम होगी, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको 5 स्टार रेटिंग दें ताकि वो टॉप पे रहे, ताकि कोई इसको सर्च करे तो आसानी से मिल जाए। और अगर आपको एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो नीचे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जिससे आप आराम से उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव है उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी कोई सुझाव है तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू जहाँ फीडबैक का ऑप्शन है वहाँ पर जाके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।